तो दोस्तों हम बताते हैं आपको आज सीमा हैदर की कहानी है। जो पाकिस्तान से लड़की आई है, ये लोगों का कहना है कि कोई गद्दार है या कोई जासूस है। आपका आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम ऐसे ही इससे जुड़ी हुई खबरें आपको देते रहेंगे। तो ये सीमा का घर है, सीमा के पति का, जिसके साथ वो अभी रह रही है। ये सीमा के डॉक्यूमेंट है, बयानों से फंसी सीमा। अब होगा हिसाब, देखो क्या है ये जन्म। ये बच्चे हैं इसके, चारों चार बच्चों को लेकर आई है। और इसका कहना है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो इश्क की झूठी रागिनी, क्या मालूम क्या है ये, सर्टिफिकेट में कहीं गड़बड़ बता रही है। ये जन्म तारीख बता रही है 1/1/2 इसके सर्टिफिकेट में, और ये बता रही है 27 साल की, जो कि अभी ये जन्म डेट के हिसाब से तो ये 21 साल की हो रही है। अगर ये 21 साल की है, और पिता का नाम गुलाम रजा बता रही है, ठीक है, तो माँ का नाम जरीना। तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं तो मेरे को भी फर्जीवाड़ा दिख रहा है। मैं पूरा प्रूफ से नहीं कह सकता, पर जैसे न्यूज़ चैनल और लोगों के हिसाब से मैं बात करूँ तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जासूस है। सीमा हैदर, सचिन और सीमा पूछताछ भी करी है एनआईए की टीम ने, एटीएस की टीम ने इनसे। अब कह रही है ये सीमा ठाकुर को या ठाकुराइन, बात एक ही है। सीमा हैदर की बेबाकी उसके लिए मुसीबत बनी। बोल रही मेरा मन था कि मैं साड़ी पहनूं, और बिल्कुल सटीक जवाब दे रही है। मीडिया पे बोलने में लोग घबरा जाते हैं, कब कैमरे को देख के लोग घबरा जाते हैं, और ये बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रही है कैमरे पे। तो दोस्तों हम क्या सोच सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करें कि इसमें आपकी क्या राय है, क्या सीमा कौन है, क्या है, या आप हमें ज़रूर बताएं। और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा चैनल देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, तो हम सब्सक्राइब आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो हम आपके लिए नई नई चीज़ें लाने के लिए उत्सुक रहेंगे। अगर आप ही सब्सक्राइब नहीं